दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली। जैसा कि आपने मेरा थंबनेल देखा कि मैंने एक मंकी साथ पबजी देख सकते हैं इस तरीके से फोटो बनाने के लिए। अगर आप अपने फेसबुक इंस्टाग्राम कहीं पर ये फोटो अपलोड कर दोगे तो लाइक की बारिश हो जाएगी बारिश। तो दोस्तों इस फोटो को बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको कुछ इस तरीके की फोटो को खींच लेना है। इस तरीके के फोटो खींचने के बाद अब दोस्तों इस तरीके से आपको PNG निकाल लेना है। दोस्तों आपको PNG निकालना नहीं आता तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उस वीडियो का लिंक दे दिया है, उस वीडियो को देखकर आप अपने फोटो की PNG को निकाल सकते हैं। दोस्तों आपसे मैं छोटी सी गुजारिश करना चाहूँगा, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो सबसे पहले इस वीडियो को कर दिएगा लाइक। लाइक करने के बाद चैनल के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसमें भी सब्सक्राइब करने के बाद पास में नोटिफिकेशन बेल आ रहा है उसे भी ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि हम एडिटिंग्स के बारे में जब भी अभी ऐसी कोई वीडियो डालेंगे तो सबसे पहले आप तक पहुँच जाएगी। चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर, वहीं मैं आपको बताता हूँ इस फोटो को कैसे एडिट करना है। तो आगे हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। दोस्तों यहाँ पे आपको सबसे पहले आपको एक PipChart एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहाँ से PipChart एप्लीकेशन को जो है वहाँ से आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। और PipChart एप्लीकेशन को जैसे ही ओपन करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपके सामने एक प्लस आइकन दिख रहा होगा, प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके सबसे पहले दोस्तों जो पबजी वाला जो मंकी के साथ बैकग्राउंड जो इमेज है तो इस फोटो का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से चाहें इसको आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी फ़ोटो को बना सकते हो। दोस्तों यहाँ पे आपके सामने कुछ इस प्रकार इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों आपको यहाँ पे इस तरीके से साइड में इसे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर एड फोटो का ऑप्शन आ जाएगा। तो अब एड फोटो पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको जो PNG मैंने बताई थी उस तरीके से आपको PNG को यहाँ से ले लेना है। तो PNG को लेने के बाद दोस्तों आप अपने हिसाब से यहाँ पर इसको एडजस्ट कर लीजिए जितना साइज आपको यहाँ पर अच्छा लगता हो, ठीक है। अब इस तरीके से एडजस्ट करने के बाद अब दोस्तों इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट कर लीजिएगा ताकि ये लगे कि मंकी मेरा मोबाइल देख रहा है, मैं मंकी को मोबाइल यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे एडजस्ट कर लेना, ठीक है। तो इस तरीके से एडजस्ट करने के बाद अब दोस्तों यहाँ पर आपको सही का निशान दिख रहा है, आप सही वाले निशान पर टिक कर देना। अब दोस्तों यहाँ पर करना क्या है, आप दोस्तों इस तरीके ऐसे ही बढ़ाएंगे इधर की ओर स्लाइड करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने एक ड्रो का ऑप्शन दिखेगा। आप ड्रो वाले ऑप्शन पे क्लिक करके पेंसिल वाले आइकन पे चले जाइए और पेंसिल वाले आइकन पे जाने के बाद अब दोस्तों यहाँ पे जो अपनी पेंसिल दिख रही है तो इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको इसको लमसम में 10% के आसपास रहने देना है यहाँ पर और इसको फुल कर देना है। तो इसको फुल कर देने के बाद दोस्तों अब इसको यहाँ पर सेट कर लेना है। सेट करने के बाद थोड़ा सा अपना फोटो जूम करेंगे तो फोटो जूम करने के बाद यहाँ पर अपने जो है पैर के पास कुछ इस तरीके से सिडोल लगा लेंगे जिससे ये लगे यहाँ पे ओरिजिनल है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे सेट कर लेना है। इस तरीके से सेट करने के लिए आप दोस्तों अपने गैलरी में इसे सेव करने के लिए यहाँ पे आपको शायद सही वाला निशान दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको सही वाला निशान दिख रहा हो, इस पर सही वाले निशान पर टिक करेंगे और सही वाले निशान पर टिक करने के एरो का निशान दिखेगा, एरो वाले निशान पर क्लिक करके अब दोस्तों यहाँ पे आपको एड वगैरह दिखाए जाएंगे तो एड वगैरह को इग्नोर कर दीजिएगा और यहाँ पे इसको हटा के अब यहाँ पे आपको गैलरी में सेव कर लेना है।